हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो डी ट्रिपल एस बी एस ओ हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हमारी सीरीज चल रही थी ऑफ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना जितना ही इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर क्वेश्चंस करना। तो आज का जो हमारे सेशन रहने वाला है, इसमें हम जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम विद द ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक पेन और पेपर यहाँ अपने पास रख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस में आपका करेक्ट आंसर आता है, वहां पर आप प्लस वन अपने आप को मार्क करना, और जहां पर भी आपके रॉन्ग आंसर आते हैं वहां पर माइनस करना 0.25, और एट द एंड राइट योर स्कोर इन द कमेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ योर विटामिन ए। विटामिन ए का कंटेंट सबसे ज्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है? तो ये वही फ्रूट है जो कि किंग ऑफ फ्रूट्स कहलाया जाता है, दैट इज योर मैंगो। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा पपाया। ठीक है, और यही हमने अपनी जो वीडियो लेक्चर सीरीज थी उसमें भी पढ़ा था। और क्या इंपॉर्टेंट है मैंगो के बारे में, मेंजिफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, क्रोमोसोम नंबर 40 है, एनाकार्डिएसी फैमिली है। ठीक है, ओरिजिन अगर हम देखें तो इंडो वर्मा रीजन इसका ओरिजिन है। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट इसे कहते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट विटामिन ए का कंटेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज विच ऑफ द व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन योर मैंगो। मैंगो में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका पेनिकल। ठीक है, कैसा होता है इन्फ्लोरेसेंस ये देख सकते हैं आप। ये जो आपको दिख रहा है एक स्टेम या ब्रांच निकलती है, और उसमें सारे फ्लावरिंग, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ योर पेनिकल। ऑलराइट, और क्या इंपॉर्टेंट है मैंगो के बारे में, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ ड्रूप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन। एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ये मीजोकार्प इसमें एडिबल पार्ट होता है। पेनिकल इज इनफ्लोरेसेंस, पॉली एम्ब्रियोनी इसमें देखने को मिलती है। जनरली आपकी जो साउथ इंडियन वेराइटीज है वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडियन जो वेराइटीज है वहां पर मोनो एम्ब्रियोनी जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल चीप एंड क्विक मेथड ऑफ मैंगो प्रोपगेशन। सो मैंगो को डिफरेंट वेजिटेटिव मेथड से प्रोपगेशन किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वीनियर ग्राफ्टिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे कि सिंपल चीप और क्विक मेथड कौन सा होता है? तो सिंपल चीप और सबसे ज्यादा क्विक मेथड जो है, दैट इज योर स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, स्टोन ग्राफ्टिंग को हम एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट वी हैव, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने मैंगो से लिए हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में भी मैंगो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्नोज इन मैंगो इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द डिजीजेस दैट वी हैव इन मैंगो। फंगस की वजह से होती है, और क्या होता है इसका कॉजल एजेंट, दैट इज योर कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरॉइड्स। ठीक है, और भी डिजीजेस हैं इसकी मैंगो की इंपॉर्टेंट, जैसे पाउडरी माइल्ड्यू है, ये होता है आपका ओडियम मेंजिफेरी से। एंथ्रेक्नोज है जिसमें ये ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगते हैं आपके फ्रूट में भी, और साथ ही साथ लीव्स में भी, दैट इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरॉइड्स। और आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैंकर। ठीक है, कैंकर में आपके इसे स्पॉट्स आप देख सकते हो, एंगुलर स्पॉट्स पड़ते हैं। दिस इज ड्यू टू ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी हैव द एडिबल पोर्शन ऑफ योर पपाया। पपाया का एडिबल पोर्शन कौन सा खाते हैं हम? ये बीज वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको खाया जाता है। क्या होता है ये होता है आपका मीजोकार्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कोकोनट। कोकोनट में कितना परसेंट ऑयल प्रेजेंट होता है? वैसे तो ये फ्रूट क्रॉप है, इसको खाया जाता है, लेकिन इसमें से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 60% ऑयल होता है, और ऑयल में सबसे ज्यादा जो एसिड पाया जाता है, दैट इज योर लॉरिक एसिड। ठीक है, इस पर भी हमने लेक्चर लिया था। कोकोनट साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूसिफेरा, क्रोमोसोम नंबर 32 है, फैमिली इसकी एरिकेसी है, साउथ ईस्ट एशिया इज द ओरिजिन। ठीक है, ट्री ऑफ हेवन या कल्प वृक्ष भी इसे कहते हैं, और इसका जो कोकोनट का वाटर होता है, दैट इज वेरी एनरिच्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्पेशली आपका कोरोना का जो टाइम था, वहां पर बहुत सारे लोगों ने तब से कोकोनट वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। और वाटर क्या होता है, बेसिकली आपका एंडोस्पर्म होता है फ्रूट का। ठीक है, सो वो क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, वी हैव What is metalking in context of your banana cultivation? Banana cultivation जब भी करते हैं
तो उसका जो एक आपका सीडलिंग निकलता है उसमें से सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग होती है। एक बार फ्रूटिंग होने के बाद फिर उसमें से नए सकर्स निकलने लगते हैं। अब फ्रूटिंग अगर एक बार हो गई, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर क्या करते हैं उसको कट कर लेते हैं। दैट स्यूडो स्टेम इज कट डाउन, ताकि जितनी भी एनर्जी है प्लांट की वो कहाँ पर जाए, नया जो सकर ग्रो हो रहा है उसमें। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका, प्रैक्टिस ऑफ कटिंग योर स्यूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग। और क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम बनाना में करते हैं, दैट इज योर प्रॉपिंग। प्रॉपिंग कब करते हैं, जब भी बनाना का जो पेड़ है या पौधा आप बोल सकते हो, उसमें जब केले आने लगते हैं ना, तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे थोड़ा ढलने लगता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम वहाँ पर प्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज योर डीनेवलिंग। डीनेवलिंग क्या होता है, मेल जो पार्ट है ना उसको कट कर देते हैं, सो दैट फीमेल पार्ट अच्छे से डेवलप हो, सारी एनर्जी फीमेल पार्ट को डेवलप करने में ही जाए। थर्ड इज डी सकरिंग। डी सकरिंग यानी कि रिमूवल ऑफ सकर्स। अब वाटर सकर्स जो यहाँ पर होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, स्वॉर्ट सकर्स को वी एनकरेज देम टू ग्रो, क्योंकि स्वॉर्ट सकर से ही आपका अच्छा जो नया प्लांट बनता है वो स्वॉर्ट सकर से बनता है। ठीक है, अब मैं टॉकिंग हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर इन बनाना। बनाना का इसमें से कौन सा डिसऑर्डर नहीं है, कोटाई वजाई, नीर वजाई, चोक थ्रोट, ये तीनों ही आपके बनाना के डिसऑर्डर हैं। इसके बारे में डिटेल जो है वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करा है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव इन गुआवा फ्रूट्स, मृग बहार इज ऑब्टेन्ड इन द मंथ ऑफ डैश। मृग बहार में फ्रूट्स, हाँ, तो तीन तरह की बहार आती हैं आपके जो गुआवा है और पोमोग्रेनेट दोनों में ही। ठीक है, सबसे पहले आती है आपके अंबे बहार, फिर आता है मृग बहार, फिर आता है हस्त बहार। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है कि फ्रूटिंग कब होती है, तो फ्रूटिंग कब होती है, देखो अंबे बहार में ना फ्लावरिंग पहले हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग कब होती है, जब आपके मैंगो में फ्लावरिंग होती है उसी टाइम पे इसमें भी, आम से अंबे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो आम में जब फ्लावरिंग होती है ना आपके मंथ क्या होते हैं, फेब्रवरी मार्च के मंथ में, उस टाइम पे उसमें फ्लावरिंग होती है, उसी टाइम पे यहाँ पर भी फेब्रुअरी मार्च के महीने में इसमें भी फ्लावरिंग होती है। फिर उसके बाद फ्रूटिंग कब होगी, जुलाई सितंबर के मंथ में। इसी तरह से इसके बाद क्या आता है हमारा, मृग बहार आता है। मृग बहार में आपकी फ्लावरिंग होती है जून जुलाई में और फ्रूटिंग होती है नवम्बर जनवरी में। फिर लास्ट आता है जब जो आपका ईयर है ना एंड होने लगता है, यानी कि साल का अस्त हो रहा है, उसी टाइम पे आपके हस्त बहार आता है। हस्त बहार में जो फ्रूटिंग है, जो फ्लावरिंग है वो होती है अक्टूबर में, और फ्रूटिंग उसके बाद होती है फेब्रुअरी अप्रैल के मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम फटाफट से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव दैट इज लखनऊ 49 से, दैट इज सरदार। लखनऊ 49 को ही सरदार वेराइटी भी कहते हैं। किसकी वेराइटी है ये, गुआवा की फेमस वेराइटी है। ठीक है, ये किसका चांस सीडलिंग है। अब ये क्वेश्चन ना एक बार पहले भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है। ये होता है चांस सीडलिंग अलाहाबाद सफेदा का। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर आपको और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करने हैं, और साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर टेस्ट, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले तो नोट्स प्रोवाइड होंगे, फिर उसके साथ ही साथ कोर्स वीडियोज दी जाएंगी, और उसी के साथ साथ आपका चैप्टर टेस्ट भी होगा। तो हर एक टॉपिक का आपका कोर्स वीडियो, कोर्स नोट्स और चैप्टर टेस्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में आप एक मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट इसमें कर सकते हैं। अभी के लिए 45% ऑफ चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कीजिए। ठीक है, और आपको और भी कोई टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ या अपने कॉन्सेप्चुअल सीरीज में लूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।